नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। हमारी दुआ यही है कि ये साल सभी के लिए बेहद खास हो, कोरोना का हमारे देश और दुनिया से खात्मा हो जाए। लेकिन जैसा कि पता है कि कोरोना के नए वेरिएंट ने देश और दुनिया में दस्तक दे दी है, जिसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब सावधानियां बरतें, सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। हमारा यानी आर भारत टीवी चैनल की तरफ से मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगी कि नए साल का सेलिब्रेशन आप करें, लेकिन अपने घर अपने परिवार के साथ ही करें, ताकि आप भी सुरक्षित रह सके और दूसरा भी सुरक्षित रहे। धन्यवाद। नमस्कार, देख रहा है इंडिया, बोल रहा है मीडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर भारत टीवी चैनल, मैं हूं आपके साथ अक्षय पटेल देवी। इस वक्त मैं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमंडल के सुरपुरा प्रखंड के गोसलजी पंचायत के ग्राम जमुआड़ा में मैं उपस्थित हूँ। और यहाँ पर अभी हमारे पीछे में नव निर्मित मुखिया बैठे हुए हैं इस पंचायत के, तो मैं चल करके उनसे सीधे बातें करता हूं और जीतने के बाद वो प्रथम कार्य किस तरह से करेंगे और यहां के कार्य किस प्रकार से टोटल करेंगे, ये हमको वो जानकारी देंगे। तो आइए मैं सीधे उनके पास चलता हूं और उनसे बातें करता हूं। दोनों को जान चाहिए। नमस्कार, मैं सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं कुमारी पूनम मुखिया जी, ग्राम पंचायत मुखिया गोसलडी। अभी यहाँ पर हमें यहाँ के नव निर्मित मुखिया पूनम कुमारी से बात हुआ और यहाँ पर उनके पति भी उपस्थित हैं, जो मैं इनसे बातें करता हूँ। नमस्कार सर, आर भारत टीवी चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं शशि रंजन यादव, मुखिया पति, ग्राम पंचायत गोसलडी। ये बताइए सर, अभी आपने अपनी पत्नी को इस जो चुनावी माहौल था, चुनावी पड़ाव था, उसमें उतारे हैं, इसमें आपका रुचि कब से आई कि चुनाव लड़े हम? देखिए, हमारा पढ़ाई लाइफ से ही माइंड राजनीतिक था, शुरू से ही हम राजनीति में ज्यादा रुचि रखते थे। तो मैं 2016 के पंचायत चुनाव में अपना कदम रखा, उस बार मेरा बोकस वोट होने के चलते मैं 42 वोट से चुनाव हार गया। चुनाव हारने के बाद 5 बरस तक हमने जनता के साथ सेवा किए, मेहनत की। 2021 के चुनाव मैदान में पुनः कदम रखे, जनता ने हमको स्वीकार किया, हमारे मेहनत को देखते हुए हमको मत दिया, मैं अपने पंचायत का मुखिया बना। सबसे पहले ये बताइए सर कि एक नया मुहिम चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, नशा मुक्ति अभियान, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नशा मुक्ति अभियान तो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। हमारा पंचायत, हमारा जिला, हमारा राज्य नशा मुक्त हो, नशा से मुक्त रहे, हम लोग का इस पर प्रयास रहे। अगर मान लीजिए कि नशा मुक्ति अभियान चल रहा है और इस पर अगर आपके गांव में कहीं दारू बिक रहा हो या दारू पी के लोग आ जाए, तो उसको किस तरह से आप देखेंगे? पहले तो हम लोग ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होने के नाते उन लोग को समझा बुझा कर चाहते हैं कि सब ठीक ठाक हो जाए, अच्छा से रहे, नशा मुक्त नशा न करें, और नहीं मानने पर प्रशासन को खबर करेंगे। तो राजनीति में लाने के कारण क्या है? इनको तो राजनीति में लाने का कारण हुआ कि सीट हमारा जो था महिला रिजर्वेशन। अच्छा, महिला रिजर्वेशन नहीं रहता तो आप जरूर लड़ते अपने नाम को नामांकन कर जी, यानी जनता का सेवा, जनता का सेवा करना मेरा लक्ष्य था शुरू से। अच्छा, मुखिया नहीं रहने से पहले भी जनता को हर काम को लेकर हमने सेवा की है, आज भी मेरा वही भाव है सेवा कर। 5 वर्षों के लिए जनता ने आपको ईमान और ईमानदार समझ करके चुनाव को जिताया है, तो 5 वर्षों तक
आप जनता के भरपूर सहयोग करेंगे जी अपने पंचायत जी। ठीक है, 5 वर्षों के बाद फिर आर भारत टीवी चैनल आएगा और इस पंचायत के हर दृश्य को दिखलाएगा। ये मुखिया जी जब आए अपने गद्दी पर बैठे हुए, अपने सीट को हासिल किए हुए, उसके बाद इन्होंने अपने पंचायत में क्या क्या कमियां को पूरा किया। अभी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को शिक्षित बनाओ के अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में उसका शिक्षा देना जी, उनका आगे जो उनका इति है वो भी करना जी। यानी आप एक महिला मुखिया हैं तो बेटियों पर ज्यादा आपका ध्यान रहेगा? हाँ जी रहेगा, उनको पढ़ाना शिक्षा देना। और बेटे पर ध्यान नहीं रहेगा क्या आपका? बेटों पर भी रहेगा। चलिए बहुत बहुत। अभी आपके गांव में मैं जब आया तो मैंने देखा यहाँ पर कि नली और गली गली का बड़ी स्थिति खराब है, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। नली गली तो आप देखिए रहे क्या स्थिति है यहाँ जी, आजादी के 70 साल बाद भी यहाँ एक भी काम नहीं है। हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे पंचायत में, हमारे गांव नहीं, लगभग हमारे पंचायत के जितना भी पिछड़ा हुआ गांव है उसको नली और गली से जोड़ दे, उसको बना दे, ये हमारा प्रथम लक्ष्य रहेगा। लेकिन नली गली तो आपको आपके बनाने के काम नहीं है, फिर आप काम तो मेरा नहीं है, प्रयास करना तो मेरा काम है जी। प्रयास करेंगे उसको हम सदन में रखेंगे, उसके हिसाब से अपना माध्यम से काम होगा। नल जल के क्या स्थिति है यहाँ? कहीं अभी नल जल चालू नहीं, चालू पूरे नल जल सुपर फुल, लेकिन लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए कि नल जल चलेगा आपको यहाँ पर सत्ता में लाए तो होगा। हम लोग प्रयास करेंगे जितना जल्दी, अभी काम चल रहा है, हम लोग को चुनाव के बाद यहाँ काम लगा हो, हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी नल जल चालू। परंतु नल जल भी तो वार्ड के ही अंदर में आता है। हाँ आता है, लेकिन उसका निगरानी करना तो मेरा काम है, उसकी निगरानी कर सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।